हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ्रेंड्स को अपने 5M लोकल होस्ट सर्वर में इनवाइट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ तो अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है एंड आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स आपके सर्वर में आके खेल पाएँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने ब्राउज़र पर एंड आपको ओपन करनी है ये वेबसाइट जो कि है play.gg। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ ड्रैकोप लग्जरी को, जिन्होंने ये वेबसाइट मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आके सजेस्ट करी थी। तो अब हम इसके इंस्टॉलेशन पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ बिल्कुल हम फ्री में करने वाले हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड्स पे आके इसको डाउनलोड कर लेना है एंड ये कुछ 13 MB का सॉफ्टवेयर है, तो कुछ बड़ा भी नहीं है सॉफ्टवेयर। एंड अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी एंड ये अगर एक बार रिस्टार्ट मांग सकता है, तो आपको सिंपली इसको बंद करके डाउनलोड्स में आके वापस इसको ओपन कर लेना है। एंड ये ओपन होते ही अपने आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इनके साइन इन पेज पे। यहाँ पे मेरे पास पहले ही इसकी आईडी है तो यहाँ पे मैं सीधा लॉगिन कर लेता हूँ, पर अगर आपके पास इसकी आईडी नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हो, तो आप यहाँ पे आईडी क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अपना आईडी से लॉगिन करता हूँ एंड सीधा आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है एंड ये बोल रहा है ऐड अ न्यू एजेंट, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड एजेंट। एंड यहाँ पे सब कुछ सेटअप ये अपने आप कर लेगा इतना, जिसका मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मेरे पीसी पे चल रहा है ये ऑटोमेटिक अपने वेबसाइट से इसको कनेक्ट कर लेगा। एंड इसके बाद मेरे को सिर्फ थोड़ा सा काम करना है एंड यहाँ पे हमारा 5M सर्वर सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो अब कर लेते हैं हम वो सब भी। तो आपको आ जाना है ऐड टनल पे एंड ऐड टनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है टाइप एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है कस्टम पे। इसके बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको डालनी है अपनी लोकल आईपी। याद रखना लोकल आईपी मतलब आपका लोकल होस्ट जो कि है 127.0.0.1। सो यहाँ पे मैं वही डाल देता हूँ .0.0.1। एंड पोर्ट में आपको डालना है आपका 5M का पोर्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 30120। अगर आप इसको चेंज करते हो तो याद रखना आप अपने सर्वर CFG से ये चीज़ चेंज कर लो। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30120 एंड क्लिक कर लेता हूँ नेक्स्ट पे। एंड इसके बाद मेरे को ऑप्शन आता है पोर्ट टाइप का, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ TCP+UDP, काउंट रहने दूंगा मैं 1। यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट टनल एंड यहाँ पे ये मेरे लिए टनल क्रिएट कर देगा। उससे पहले मेरे को इसको एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा जैसे 5M एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा सेव। नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है एंड इस वेबसाइट का आपका सारा काम हो चुका है। आपको एक बार इसका एक बार एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल शो करेगा कि यहाँ पे ये सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो चुका है एंड ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको अपना 5M सर्वर रन करना है। अगर आपको नहीं पता आप सर्वर कैसे बना सकते हो तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे ज़ैम्प ओपन करूँगा एंड ज़ैम्प में आके अपना SQL सर्वर स्टार्ट करूँगा। तो ये पहले से ही ऑन है तो मैं इसको सिंपली बंद कर लेता हूँ एंड अब मैं अपना 5M सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आया मैं एंड स्टार्ट। एंड जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि ये सर्वर तब तक चलेगा जब तक आपके पास मतलब आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। अगर ये आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका फ्रेंड भी अगर इस सर्वर पे खेल रहा है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए 24/7 कनेक्शन तो आपको चाहिए होगी एक होस्टिंग एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर। एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे मेरा सर्वर ऑन हो चुका है तो अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने एक बार इस सर्वर से। तो आपको खोलना है 5M एंड आईपी डालते टाइम मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी आईपी से कनेक्ट करना है, तो ये वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरा 5M एंड एक बारी मैं वापस अपने ब्राउजर पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगी ऊपर सबसे ऊपर ये आईपी एंड ये आईपी के साथ आपको एक पोर्ट भी मिलेगा। ये पोर्ट अलग होगा, 30120 नहीं होगा, बट अगर हम इस पर कनेक्ट करते हैं तो हम अपने 5M सर्वर से ही कनेक्ट हो जाएंगे। सो एक बारी मैं आपको खुद कनेक्ट करके दिखाता हूँ एंड इसके बाद मैं किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि वो इस आईपी से कनेक्ट करे। तो यहाँ पे मैंने किया कॉपी एंड कनेक्ट और मैंने आईपी पेस्ट कर दी एंड ये यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है तो इसको टाइम देना एंड रीस्टार्ट वगैरह मांगे तो वो कर लेना, बट मेक श्योर आप ये एप्लीकेशन बंद मत करो। सो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा एंड ये सब होगा एंड इसके बाद जब मैं कनेक्ट होता हूँ मैं आपसे तब मिलता हूँ।
सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने 5M सर्वर में, एंड अगर आप यहाँ पे मेरा पिंग देखते हो तो ये कुछ 40 का राउंड है, जो कि एक लोकल होस्ट का पिंग तो कभी भी नहीं हो सकता। एंड ये इसलिए बिकॉज यहाँ पे जब मैंने कनेक्ट किया अपने सर्वर से, तो यहाँ पे मैंने उस वेबसाइट की आईपी डाली, जिसका मतलब मेरा जो कंप्यूटर है इसने उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजी, एंड उस वेबसाइट ने वापस मेरे कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट भेजी, एंड इस सब में मेरा जो पिंग है ये 40 हो गया। एंड ये जो पिंग है इस हिसाब से मैं शायद दिल्ली सर्वर पे कनेक्टेड हूँ। सो यहाँ पे मैंने तो कनेक्ट कर लिया, एंड अब बारी आ जाती है हमारे किसी और प्लेयर की यहाँ पे कनेक्ट करने की। सो अब मैं किसी एक प्लेयर को लेके आता हूँ, एंड मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो भी कैसे कनेक्ट कर सकता है। A few moments later. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो फ्रेंड ने है मेरे सर्वर पे कनेक्ट कर लिया है, एंड ये मेरा वही वाला सर्वर है जो मैंने थोड़ी देर पहले ओपन किया था। एंड अगर आपको मैं यहाँ पे कंसोल में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, एंड इसके बाद मेरे जो फ्रेंड है उसने यहाँ पे मेरे सर्वर से कनेक्ट किया। एंड यहाँ पे आपको एक एरर आ सकती है कि आपका आईपी रिजॉल्व नहीं हो रहा आपके फ्रेंड का। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस इस सॉफ्टवेयर पे आ जाना है, एंड इस सॉफ्टवेयर को एक बारी रीस्टार्ट कर लेना है, जिसका मतलब आपको यहाँ से इसको बंद करना है एंड इसको वापिस अपने डाउनलोड से ओपन करना है, एंड ये एरर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इसमें कोई और इशू आता है तो आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हो, या फिर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।